हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अगर ये वीडियो अच्छे से समझना है तो हमारा एक योग सैक पे वीडियो है 5 weeks स्कैन के, वो आपको जरूर देखना चाहिए, राइट। बट जब कभी भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो प्रेग्नेंसी कहाँ रहती है? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जिस पार्ट में प्रेग्नेंसी रहती है उस पार्ट को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, करेक्ट। अब एंडोमेट्रियम में प्रेगनेंसी डेवलप होने के टाइम पे एक जेस्टेशनल सैक, मतलब प्रेगनेंसी को संभालने वाला एक कवच सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। उसके बाजू में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेसिड्यूअल रिएक्शन। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझाया, मतलब प्रेगनेंसी को ग्रिप करके रखने के लिए, उसको ग्रो करके रखने के लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले इसके अंदर ग्रो होने का स्टार्ट हो जाता है एक योक सैक, ये भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है। योक सैक वो चीज है जो बच्चे को, बेबी को, फीटस को न्यूट्रिशन देती है, राइट। थोड़े टाइम के बाद में ये नॉर्मली डेवलप होता है 5वें हफ्ते में। 5वें हफ्ते से जैसे ही हम जाते हैं 6th week के और पे, 6ठे हफ्ते की तरफ जैसे हम जाते हैं, ये योक सैक के अंदर एक फीटल पोल मतलब बेबी का डेवलपमेंट दिखना चालू हो जाता है 6ठे हफ्ते में। अब कोई भी कारण के वजह से अगर 6th week में योक सैक का फीटल पोल आपको नहीं दिखता, राइट, या फिर अगर आपको 5th week में ही योक सैक ही नहीं दिखता और सिर्फ जेस्टेशनल सैक दिखता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहर का पार्ट दिखता है, इस प्रकार के प्रेगनेंसीज को कहा जाता है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब बिना बच्चे का प्रेगनेंसी, करेक्ट, जिसके अंदर फीटल पोल और योक सैक या फिर सिर्फ योक सैक डेवलप ही नहीं हुआ, इस चीज को बोला जाता है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। अब ये क्यों होता है? कहा जाता है कि एम्ब्रियो के वीक होने के वजह से या डिफेक्टिव होने के वजह से, क्रोमोसोमली डिफेक्टिव अगर एम्ब्रियो होता है तो उस सिचुएशन में एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है, करेक्ट। इस चीज को आइडेंटिफाई करने का कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये नेचुरल मैकेनिज्म है, ये गॉड का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ठीक है अगर ये बेबी डिफेक्टिव बॉर्न होने वाला है तो ये बेबी को बॉर्न ही मत होने दीजिए, करेक्ट। आज के जमाने में ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी वेरी एंग्शियस, आपको बहुत डर लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये वापस ना होए, ओके। ये सब चीज को लेके पब्लिक बहुत परेशान होती है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी इज कॉमन इन अप्रोक्सीमेटली 16-17% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब अगर इंडिया में 100 लोगों को बच्चे हुए हैं तो 15-16 ऐसे कपल्स रहेंगे उसमें से जिनको एक ना एक बार मिस्ड अबॉर्शन या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये बड़ा कॉमन चीज है, ये नेचर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। सेकेंड, बहुत सारे पीपल गूगल, सोशल मीडिया ये सब पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं अभी नहीं दिखा तो मैंने गूगल पे पढ़ा है कि यू कैन वेट फॉर 10 days, आप 10 दिन के लिए वेट करो और 10 दिन के बाद में फॉलो अप करो। आप 10 दिन के बाद में अगर वेट करेंगे 6 हफ्ते के बाद में तो वो हो जाएगा 7.5 हफ्ते। अगर आपको 6 weeks में फीटल पोल नहीं दिख रहा और योक सैक नहीं दिख रहा तो आगे 10 दिन वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, ऑलराइट। बट तो भी खुद की स्टाइल मारने के लिए लोग ये सब वेट करते हैं, ओके। एज डॉक्टर्स हम उनको हमेशा लिख के देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, शायद इसके बाद में कोई होप्स नहीं होगा, इसमें ऐसा कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तांडव नहीं, कोई मंदिर नहीं जिसमें आप जाओगे और भगवान ने अगर कुछ डिसाइड किया है कि ये नहीं होना चाहिए तो आप भगवान का डिसीजन रिवर्स कर दोगे। आपको नॉर्मली मंदिर में जाके 500 रुपया धरते हो ना, उसके जगह पे 500,000 रुपया भी धरोगे ना भगवान के वो पेटी में, तो भी ये भगवान का डिसीजन रिवर्स नहीं होता है, राइट। मेरे कहने का लॉजिक ये है कि डू नॉट बिकम ओवर एंग्शियस। इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, अगर प्रेगनेंसी एन एम्ब्रियोनिक है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना पड़ता है। ये टर्मिनेशन होता है इधर विद मेडिसिन और विद डीएनसी। इसका डिसीजन आप नहीं, आपके डॉक्टर लेंगे कि आपके लिए क्या ज्यादा अच्छी बात है, उस हिसाब से आपके लिए वो एक डिसीजन लेंगे। और ये हो जाने के बाद में आफ्टर 3-4 months, मतलब 3-4 cycles के बाद में यू कैन अगेन ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी
ये होने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपको एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हुआ तो दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को लेके हाइपर एंशियस बिहेवियर लोगों को नहीं रखना चाहिए, राइट। एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी को लेके एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कॉमेंट्स में डाल सकते हैं, मेरे या कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।